ओके जी, इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे लॉगआउट की फंक्शनलिटी हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं अपने जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोकल स्टोरेज को यूज करके। अब सबसे पहले हमने करना क्या होता है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हमने ये काम एप्रोएक्स तकरीबन किए हुए, यानी हमने यूजर को साइन अप करवाया हुआ है, उसके बाद उसको लॉग इन करवाया हुआ है, और लॉगिन करवाने के बाद अगर उसकी ईमेल और पासवर्ड जो दी थी इसने लोकल स्टोरेज के अंदर अगर वो सही है तो उसको हम अलाउ कर रहे थे होम पेज पे। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये यूजर होम पेज पे आ जाता है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड सही देके, उसके बाद अगर ये यूजर लॉग आउट करता है तो लॉग आउट के वक्त आप क्या करो, लॉग आउट के वक्त आप लॉग आउट होने के बाद क्या करें, उस यूजर को होम पेज से लॉगिन की तरफ भेजे और सच में लॉग आउट कर ले। ऐसा ना हो लॉग आउट करने के बाद अगर आप होम पेज पे डायरेक्ट जा रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट जा पा रहे हैं, तो आपने यूजर को रोकना भी है कि एक बार जब वो लॉग आउट कर लेता है तो फिर बार बार होम पेज को विदाउट लॉग इन के एक्सेस ना करें। सही है जी, तो हम क्या करेंगे, लॉग आउट का एक पेज बनाएंगे जिसपे थोड़ी सी लाइन ऑफ कोड प्रोवाइड करेंगे और उस तरह से हम इसको क्या करवाएंगे, लॉग आउट करवाएंगे। चलें जी कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइन अप जो आप यूजर्स को करवाते रहते हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले कुछ इनपुट बनाया हुआ है, उन इनपुट से वैल्यूज लेकर मैंने लोकल स्टोरेज को पास कर लेनी है। सही है, तो ऑलरेडी जो वैल्यूज वहां पे पड़ी है मैं उनको डिलीट कर देता हूं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट जाए, और यहां पे एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको यहां पे नजर आती है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी स्टोरेजेस है। आपको लोकल स्टोरेज के अंदर ये वाला HTTP जो आपका डोमेन है, लोकल होस्ट कहते हैं इसको अभी, क्योंकि आप नॉर्मल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इन तरह की चीजों को पहले तो डिलीट करना है क्योंकि हम यूजर को फिर से साइन अप करवाएंगे, और साइन अप करवाने के बाद फिर इसको लॉग इन करवाएंगे। ठीक है जी, अब यूजर हमारा क्या हो चुका है, यहां से उसकी वैल्यूज जा चुकी है। मैं जाता हूं साइन अप पेज के ऊपर, ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने काम किया हुआ है। यहां पे आके यूजर का नाम दे देते हैं, सपोज यहां पे आके आपने कहा माजिद यूजर का नाम है, एज है 21, एड्रेस है कराची, इनका जीमेल है majid@gmail.com, पासवर्ड इनका 123। अब मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करता हूं तो आपको एक अलर्ट आएगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इनपुट्स का डेटा भी खाली हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपको इसी के अंदर एक फंक्शन मिलेगा साइन अप के नाम से जिसके अंदर हमने ये पूरी की पूरी फंक्शनलिटी रखी हुई है। सबसे पहले इनपुट से हमने नंबर ऑफ वैल्यूज गेट की है, फिर वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेट की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, उसके बाद आप यहां पे आएंगे तो मैंने इनपुट्स के अंदर से जो आपकी वैल्यूज थी उनको अब खाली कर दिया इस लाइन ऑफ कोड से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को आईडी से टारगेट किया और उसकी वैल्यू क्या कर दी है, एम्प्टी कर दी। सही है बेटा, उसके बाद यहां पे आके एक अलर्ट दे दिया है कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारा यूजर क्या कर रहा है, अपना अकाउंट क्रिएट कर पा रहा है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो क्या आपके पास लोकल स्टोरेज में वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये आपको नजर आ रही होंगी। यहां पे नाम है माजिद, एज है 21, उसकी ईमेल क्या थी, majid@gmail.com, पासवर्ड है 123 और इनकी एड्रेस है कराची। सही है, उसके बाद अगर आप यहां पे आ जाओ बेटा, अब इसको करवाना है लॉगिन, लेकिन लॉगिन के अंदर आपकी कुछ फंक्शनलिटी जो आपको चेंज करनी है। अब लॉगिन भी मैंने पहले करवाया हुआ है, लेकिन आपको लोकल स्टोरेज के थ्रू किस तरह से इसको करवाना है, देखें जी, सबसे पहले तो इनपुट से वैल्यूज लेनी है। डिजाइन ऊपर मैंने बनाया हुआ लॉगिन पैनल का, यहां पे ये देखें, एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड। सही है, यूजर यहां से ईमेल और पासवर्ड देगा और वो हमने कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले इनपुट से वैल्यूज ली है मैंने और अपने वेरिएबल्स के अंदर रखी है, और यही वैल्यूज किससे कंपेयर करनी है, जो लोकल स्टोरेज में पड़ी है। तो मैंने गेट आइटम करके
ईमेल और पासवर्ड जो वहां पे सेव करवाया था साइनअप के वक्त, उसी को किससे कंपेयर कर देना है जो इनपुट से वैल्यूज आ रही है, उसके साथ क्या कर लेना है बेटा, ये कंपेयर कर देना है। सही है जी। उसके बाद यहां आना, अब मैंने कहा कि अगर ईमेल बराबर हो ईमेल वन के, यानी जो यूजर इनपुट के अंदर वैल्यू देगा अगर वो बराबर होगी किसके। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर आपकी ईमेल जो यूजर ने इनपुट के अंदर दी अगर वो बराबर हो गई जो ईमेल आपने लोकल स्टोरेज को दी थी साइनअप के वक्त उससे, तो आपको यूजर क्या कर लेगा, या ये वाला कोड आपको अलाउ करेगा कि आप कहां चले जाए, होम पेज पे चले जाए। लेकिन एक चीज और भी करूंगा मैं, कौन सी, कि यहां पे आके एक कोड क्या करवा दूंगा, सेव करवा दूंगा। जैसे एजेंसीज काम करती हैं, तो एक एजेंसी का बंदा दूसरे एजेंसी के बंदे को जो मैसेज दे रहा होता है कोड में दे रहा होता है ना। मैं पता है क्या करूंगा, यहां पे आके जब यूजर सक्सेसफुली या उसकी ईमेल और आपकी जो लोकल स्टोरेज में वैल्यू है और जो इनपुट से आई अगर वो बराबर है, तो यहां पे आके लोकल स्टोरेज के अंदर एक वैल्यू सेट करवा देंगे। किस नाम से, उसका नाम भी कोड ही रख देते हैं। क्या रख देते हैं, कोड इज अ की है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहां रख दो सीक्रेट, इस तरह से। कौन सा क्लियर हो गया, सीक्रेट। समझ में आ गया। अब ये काम अदर लैंग्वेज जो सर्वर साइड होती है उनके अंदर सेशंस के थ्रू होता है, लेकिन यहां पे सेशंस के थ्रू नहीं कर रहे। इसकी वजह बेटा ये है कि सेशन की लाइफ टाइम एक ही टैब तक है, वेब ब्राउजर के एक ही टैब तक है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे डेटा कहां जाए, लोकल स्टोरेज के अंदर ही जाके इस कोड की में क्या वैल्यू चली जाए, सीक्रेट की वैल्यू चली जाए। कब, जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, वैसे नहीं, जब ईमेल और पासवर्ड क्या हो जाए, एक्यूएल हो जाए, तब होम पेज पे तो जाए लेकिन एक वैल्यू भी सेट हो जाए। क्या हो जाए वैल्यू सेट, कोड के की के अंदर वैल्यू चली जाए सीक्रेट। कौन सा क्लियर हो गया बेटा, सही है। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, होम पेज पे। अब सबसे पहले करना क्या, यहां आ जाते हैं। अब आपको जाना है लॉगिन पे, सही है। यहां पे देख लो अभी वैल्यूज कौन कौन सी पड़ी है लोकल स्टोरेज के अंदर बेटा, अभी तक एक कोड की बनी है, नहीं बनी ना, क्यों नहीं बनी बेटा, इसकी वजह है कि आपने अभी तक लॉगिन सही से किया नहीं है, सक्सेसफुली आप लॉगिन हुए ही नहीं। वो कोड तब बनेगा जब आप सक्सेसफुली लॉगिन होंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर आपने majid@gmail.com पासवर्ड दिया 123, अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोड क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू क्या सेट होगी, सीक्रेट। सही है, मैं सेट कर देता हूं। और आप कहां आ गए, वेलकम पेज पे। कौन सा क्लियर है, वेलकम पेज पे तो आए, लेकिन आपका अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके लोकल स्टोरेज के अंदर जाएंगे तो अब आपको एक कोड भी मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या सेट हुई है, सीक्रेट। समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, जब लॉगआउट करवाएंगे क्या करवाएंगे, सीक्रेट की कोई, यानी कोड के अंदर आप कोई और वैल्यू सेट कर देंगे। समझ में आया। अब कैसे, सिंपल है बेटा, यहां है देखें। अब होम पेज पे आप क्या कहेंगे, अगर बंदे ने सही से साइन अप किया होगा और वो लॉगिन भी कर रहा है, जाहिर है अगर इस बंदे ने लॉगिन किया तो लॉगिन के वक्त इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाता है बेटा, कोड के पास वैल्यू चली जाती है सीक्रेट। ऐसे होता है ना, सही है। अब होम पेज पे बंदा आ रहा है, होम पेज पे आ रहा है ना, यहां पे इस पे मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा लॉजिक कि इफ, अच्छा लोकल स्टोरेज वेरिएबल से वो जो सीक्रेट कोड है वो गेट कर लेते हैं, सही है। सीक्रेट कोड का वेरिएबल एबीसी रख देते हैं। लोकल स्टोरेज से एक आइटम गेट करो जिसका क्या है की बेटा, कोड। समझ में आ गया कि लोकल स्टोरेज के अंदर एक वैल्यू गई होगी, किस नाम से, कोड के नाम से, और वैल्यू क्या है बेटा, सीक्रेट पड़ी है ना उसमें। तो मैं कह रहा हूं इफ एबीसी बराबर है किसके, सीक्रेट के, तो क्या करो, कुछ मत करो। अगर बराबर नहीं है तो क्या करो, इसे कहां भेजो बेटा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, कहां पे, कहां भेजेंगे बताएं,
लॉगिन डॉट एचटीएमएल, सिंपल हो गया, सिंपल सी लॉजिक है ना। अगर बंदे ने लॉगिन किया होगा, यानी ऐसा है कि अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो सीढ़ियों से आएंगे, तो आपको कैमरा के अंदर तो नोट किया जाएगा ना, क्योंकि आपका एक ही रास्ता है ऊपर आने के लिए, आपको एक ही कैमरा है और एक ही रास्ता है जो टारगेट कर लेगा, तो होम पेज पे आने का एक ही रास्ता है, वो लॉगिन पेज, सही है। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो जाहिर है कोड बना ही नहीं होगा, और लॉगिन किया है तो आपके कोड के अंदर वैल्यू गई होगी सीक्रेट, ऐसे ही है ना। तो मैं यही पूछ रहा हूं यहां पे आके कि अगर एबीसी या आपका जो लोकल स्टोरेज में कोड है उसकी वैल्यू अगर सीक्रेट बनी है तो उसको अलाउ करो, आने दो, वरना एल्स में कहां भेजो, पहले लॉगिन करके। कौन से क्लियर है? तो अभी आप जब भी होम पेज पे विदाउट लॉगिन के जाएंगे, आपको क्या कहेगा ये, पहले जाके क्या करो, लॉगिन करो, विदाउट लॉगिन के आएंगे। कौन से क्लियर हो गया बेटा? अब मैं चाहता हूं जब बंदे को लॉग आउट करवाया जाए, क्योंकि होम पेज पे एक आपको एंकर नजर आ रहा है, जिसपे आपको एंकर यानी लिंक नजर आ रही है, जिसपे क्लिक कर रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं, लॉग आउट पे पेज पे जा रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब लॉग आउट के बाद भी मैं चाहता हूं ये जो कोड के अंदर वैल्यू पड़ी है ना सीक्रेट, वो वैल्यू कुछ और सेट हो जाए। यानी मैं यहां आऊंगा, देखें लॉग आउट पे, अच्छा होम पेज पे देखो एंकर बना हुआ ना नीचे, पहले तो इसको देख लो बेटा, एंकर कहाँ जा रहा है, एक तो आपको वेलकम कर रहा था, मैसेज शो हो रहा है वेलकम माजिद, और यहाँ पे एक एंकर नजर आ रहा है जिसपे क्या किया हुआ मैंने, कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो किस पेज पे जाएंगे, लॉगआउट डॉट एचटीएमएल पे। तो लॉगआउट डॉट एचटीएमएल पे क्या कोड करना है, लॉगआउट डॉट एचटीएमएल पे बेटा सिंपल काम ये करना है, स्क्रिप्ट का टैग ऑन करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, यहां पे वेरिएबल ए लोकल स्टोरेज, और अब आपको आइटम गेट करना है, कौन सा वाला, जो सीक्रेट वाला है ना, या एक काम करो सेट आइटम कर लो यार, कोड की वैल्यू क्या थी पहले सीक्रेट, अब वैल्यू में क्या रख दूंगा, लॉग आउट। समझ में आया, सिंपल है बेटा। देखो अगर यूजर आता है क्या हो आपके समझ ले, बेहतर वे से आता है, या एक क्या है हमारा सही राइट पाथ से आता है। राइट पाथ क्या है, यूजर करेगा साइनअप, साइनअप के बाद लॉग इन करेगा, साइनअप के बाद कहां जाएगा, सॉरी लॉग इन के बाद होम पेज में। अब लॉग इन से होके आ रहा है तो एक कोड क्रिएट करके आ रहा है, और उस कोड की वैल्यू क्या सेट हो रही थी, सीक्रेट। और अगर आप कहां क्लिक करते लॉग आउट पे, तो उसी कोड में वैल्यू क्या सेट हो जाती है, ओवरराइड होके लॉग आउट सेट हो जाता। समझ में आ गया? अब सीक्रेट वैल्यू हटा के उसने क्या वैल्यू सेट कर दी, लॉग आउट, है ना। और होम पेज पे आपने लॉजिक क्या लगाई, होम पेज पे आपने लॉजिक लगाई कि अगर, अगर क्या होगा, अगर आपके उस कोड के पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीक्रेट, तभी आप होम पेज पे आएंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, भले लॉग आउट ही क्यों ना हो, आप वापस कहां जाएंगे, लॉग इन पे। समझ में आ गया? यानी कोड के पास जब ये लॉग इन करके आया तो वैल्यू गई सीक्रेट, लॉग आउट किया तो अब सीक्रेट वैल्यू हट के क्या सेट हो गई, लॉग आउट। समझ में आ गया? यानी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया हमने, ऑलरेडी जो वैल्यू थी सीक्रेट थी, अब क्या हो गई, लॉग आउट। और यहां पे जब आप डायरेक्ट होम पेज पे जाएंगे तो अब कोड के पास क्या है, सीक्रेट वैल्यू नहीं, अब क्या होगी, लॉग आउट होगी, जो कि आपकी सीक्रेट से बराबर नहीं होगी, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। चले जी, ये थोड़ा सा जुगाड़ है, लॉजिक है, जिसके थ्रू मैंने इसको मैनेज किया हुआ। अब मैं इसको करवाता हूं लॉग आउट। अच्छा लॉग आउट तो हुआ, लेकिन लॉग आउट के बाद आपने इसको भेजा भी नहीं ना, कहां भेजना है, तो लॉग आउट के बाद कहां भेजना है बेटा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, और इसको कहां भेजना है, लॉग इन डॉट एचटीएमएल के पास, सही है। यानी जो ऑलरेडी वैल्यू, देखे होम पेज पे बंदा आता है तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू सीक्रेट सेट हो जाती है ना। लॉग आउट में मैंने बस वो वैल्यू हटा के क्या सेट कर दी है, लॉग आउट सेट कर दी है। आप कोई और भी सेट कर सकते हैं, सही है जी। चले अब यहां आते हैं, अब इस बंदे को यहां पे आके पहले तो होम पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। होम पेज हो रहा है एक्सेस, नहीं हो रहा ना, सही है।
देखें मैं होम पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखें आपने लॉगिन तो किया ही नहीं ना, आपने तो लॉगआउट कर लिया था होम पेज पे जाने के बाद। तो जैसे ही आपने लॉगआउट पे क्लिक किया तो कोड के अंदर वैल्यू सीक्रेट हटा के उसने क्या सेट कर दी थी, लॉगआउट सेट कर दी। और आप होम पेज पे क्या चेक कर रहे हैं, होम पेज पे तो आप ये चेक कर रहे हैं अगर कोड के बाद वैल्यू सीक्रेट हो तो आने देना, वरना आने की जरूरत नहीं है। सही है, कोड एक संभल ले आपका लोकल स्टोरेज का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पहले सेट हो जाती है लॉगिन के वक्त क्या सीक्रेट, और लॉगआउट के बाद लॉगआउट। सही है, और होम पेज पे हम सिर्फ इसको तब अलाउ करेंगे जब इसके पास सीक्रेट वैल्यू होगी। सही है, यानी अगर आप किसी को भेजो यहां से कोई चीज देके और आप अगले बंदे को भी कोई सीक्रेट कोड दो तो वो जब कोड आपके इक्वल हो जाए तो वैल्यू एक्सचेंज करो, वरना जरूरत नहीं है। नेटवर्क में भी तो यही होता है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी यही तो चीजें होती हैं। एक डिवाइस या नेटवर्क की डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को डेटा दे रही होती है क्या चेक होता है, यही कोड चेक होते हैं बेटा। समझ में आ रहा है, जिनमें से पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते। सही है, अब सबसे पहले मैं यहां आता हूं और यहां पे अगर मैं फॉर एग्जांपल गलत ईमेल और पासवर्ड देता हूं तो आपको एक अलर्ट दे देगा कि आपकी ईमेल और पासवर्ड गलत है, पहली बात तो ये। और यहां पे आके अगर देखें आपने इसको सही से लॉग इन करवाया majid@gmail.com, पासवर्ड 123 है, मैं लॉग इन करवाता हूँ, लॉग इन कर दिया तो यहां आ जाए क्या हुआ, एक कोड आपका लोकल स्टोरेज के अंदर की थी ना, उस कोड के बाद वैल्यू क्या सेट हो गई, सीक्रेट हो गई ना बेटा। अब जब मैं लॉगआउट पे क्लिक कर रहा हूं पता है क्या हो रहा है, इस कोड की वैल्यू के पास क्या आ रही है, वैल्यू लॉगआउट आ जाती है। क्या आ जाती है, लॉगआउट। और होम पेज में मैंने लॉजिक क्या लगाई है कि अगर इस कोड के पास क्या वैल्यू आया, सीक्रेट आया, तभी अलाउ करना, वरना अलाउ करने की जरूरत यार सिंपल है। ऊपर आने के लिए यही सीढ़ियां, आना है तो आओ वरना आने की जरूरत सिंपल है, सीढ़ियों से आओगे कैमरा में दिखना है, ऐसे ही है ना। लॉगिन करोगे तो क्या होगा, आपका वो कोड बनेगा, वैल्यू क्या सेट होगी, सीक्रेट, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। अब आपकी सीक्रेट वैल्यू को लॉगआउट पे बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं वैल्यू दूसरी दे रहा हूं, बस वो वैल्यू हटा के दूसरी सेट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना सा काम है। चले जी, तो इस तरह से अगर आप अभी देखिए होम पेज पे आप भले चले जाएं दूसरे टाइम में जाएं, होम पेज पे जाना चाहते हैं चले जाएं, सही है। लेकिन आपने अगर लॉगआउट कर लिया ना बेटा, लॉगआउट करने के बाद अगर आप यहां पे आके भी रिफ्रेश करें आपको डायरेक्ट कहां भेज देगा, लॉग इन पे, क्योंकि अब सीक्रेट के पास, सॉरी कोड के पास सीक्रेट वैल्यू रही नहीं, अब उसके पास वैल्यू क्या सेट हो गई, देखो अब भी आप यहां आ जाए ना तो वैल्यू क्या पड़ी है इसके पास, एप्लीकेशन के अंदर जाए देखें कोड के पास क्या वैल्यू सेट हो गई, वैल्यू ओवरराइड हो रही है जब आप लॉगआउट पे क्लिक कर रहे हैं ना, कोड से जो वैल्यू सीक्रेट है वो हटा के क्या दी जा रही है, लॉगआउट दी जा रही है, और वही तो हम चेक कर रहे हैं। सामने आ गया सबको, ठीक है जी। ये इस तरह से आपका था कि अगर कोई यूजर विदाउट लॉग इन के होम पेज पे जाना चाहता है तो उसको अलाउ ना करें, और दूसरा जब लॉगआउट पे क्लिक करें तो बंदा लॉगआउट के बाद भी होम पेज पे ना जा सके। कौन से क्लियर है यहां तक, ये एक सिंपल सा वे था जिसको हमने परफॉर्म किया और जितना लोकल स्टोरेज से पॉसिबल था जावास्क्रिप्ट के अंदर यही है, वरना सर्वर साइड लैंग्वेजेस के ऊपर यही काम सेशन से करते, इसको सेशन मैनेजमेंट कहते हैं। कौन से क्लियर है जी। अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं लाइक लारावेल एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो हमारे एडवांस होंगे इन वेब डेवलपमेंट, उनके अंदर कुछ हमारे फीचर आते हैं जो ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी दे रहे होते हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, मिडलवेयर्स हो गए, जेट स्ट्रीम के बहुत सारे फीचर हैं लारावेल के अंदर, उनके थ्रू ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है।